बड़वानी में सिख समाज के व्यक्ति से पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। इस मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के ट्वीट के बाद एएसआई सीताराम भटनागर और हेड कांस्टेबल मोहन जामले को निलंबित कर दिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मामले में एएसआई और हेड कांस्टेबल पर कार्रवाई की गई है तो कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। विषय जैसे ही संज्ञान में आया था वैसे ही एएसआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। जो हेड कांस्टेबल था सीताराम भटनागर एएसआई था और मोहन जामरे वो हेड कांस्टेबल थे, उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया। घटना क्यों घटित हुई, कैसे घटित हुई, परिणाम क्या है, इसके लिए आईजी को तत्काल जांच का इंदौर को बोला है, वो घटना पर स्थल पर जाकर घटना की जांच करेगा। बड़वानी के पलसूद में घटना सामने आई है जो सिख समाज के सिकलीगर बंजारा समाज वहां रहता है। एक प्रेम सिंह ग्रंथी हैं जो गुरुद्वारे में ग्रंथी भी हैं, वो अपनी ताला चाबी की दुकान पुलिस चौकी के पास वर्षों से लगा रहे हैं और इस कोरोना महामारी का में भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने परिवार की आजीविका चला रहे हैं। कुछ पुलिसकर्मी उनके पास वसूली के लिए पहुंचे, जब उन्होंने विरोध किया तो बुरी तरीके से उनकी पिटाई करी, उनके बाल खींचे गए, उनकी पगड़ी तक उतार दी गई। सिख समाज में पगड़ी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और पगड़ी सिख समाज की पवित्र मानी जाती है। जिस प्रकार का कृत्य पुलिसकर्मियों ने किया निश्चित तौर पर बेहद आपत्तिजनक है, बेहद निंदनीय। हम शिवराज सरकार से मांग करते हैं कि सिख धर्म की धार्मिक परंपराओं का अपमान हुआ है, इसके दोषियों पर तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उस परिवार के साथ पीड़ित व्यक्ति के साथ न्याय हो, अन्यथा सिख समाज सड़कों पर उतरेगा और ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं तो आह्वान करता हूँ सिख समाज के जो हमारे मंजीत सिंह सिरसा ठेकेदार हैं, जो अकाली दल जो लगातार कोई कांग्रेस सरकार में भी कोई इस तरह की घटना होती थी तो बड़े बड़े सड़कों पर आ जाते थे, बड़े बड़े बयान जारी करते थे, वे आज सुबह से गायब है, मौन है, वो लोग का उनको सामने आना चाहिए और सरकार पर दबाव डालकर दोषियों पर कार्रवाई कराना चाहिए।